हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक क्या है? माउंटेन पासेस इन इंडिया। एंड ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे समझने की कि माउंटेन पास का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप इस वर्ड को अच्छे से देखेंगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। माउंटेन पास, किसी माउंटेन को पास करने के लिए जो रूट होता है उसको हम कहते हैं माउंटेन पास। बेसिकली एक कनेक्टिविटी रूट है जिसके थ्रू आप माउंटेन को क्रॉस कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक माउंटेन सीरीज है, ठीक है? और इसको क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ पे एक नेविगेबल रूट दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये जो रूट है इसी को माउंटेन पास के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई माउंटेन सीरीज है, अगर इसको क्रॉस करना है तो कुछ इस तरह का रूट होगा जिसे आप माउंटेन पास के नाम से जान सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कि माउंटेन पास क्या होता है। अब सेकेंड पॉइंट ये आता है कि माउंटेन पास क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, माउंटेन पास की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि ये पासेस दो स्टेट्स को या फिर दो कंट्रीज को, दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। तो अगर माउंटेन पास बंद हो जाए या उस पर किसी का कंट्रोल हो जाए तो जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। तो इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी होती है। इसके अलावा कल्चरल ट्रेडिशनल इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने बात की थी एंशंट इंडिया में कि अगर कोई एरिया आइसोलेशन में होता है तो उसका अपना यूनिक कल्चर ट्रेडिशन डेवलप हो जाता है, ठीक है? तो पासेस से क्या होता है कि जो दो एरिया हैं आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो, उनका कल्चर वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है, कोई टनल बन रही है, कोई हाईवे प्रोजेक्ट बनता है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि इससे उस एरिया का जो आइसोलेशन है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माउंटेन पासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए, जब भी हम माउंटेन पास की बात करते हैं तो देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर हम हिमालय की बात करें तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी पैरेलल रेंजेस देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे टॉप में कौन सी है? काराकोरम, देन लद्दाख, उसके बाद जस्कर रेंज है, देन ग्रेट हिमालय रेंज है जो कि मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज मानी जाती है। इसके अलावा फिर मिडिल हिमालय आते हैं और फिर उसके बाद शिवालिक रेंजेज आती हैं। अब देखिए, ये जो रेंजेज हैं ये एरियाज को सेपरेट करती हैं। तो अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो आपको इन माउंटेन जो रेंजेज हैं इनको क्रॉस करना होगा, और इसलिए पासेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो पैरेलल रेंजेज हैं इनको हमको क्रॉस करना होगा और उसके लिए पासेज बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पासेज को लेके। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वो जो पास है वो किस स्टेट में है, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किन दो एरिया को कनेक्ट करता है। वो दो स्टेट्स भी हो सकते हैं, दो कंट्रीज भी हो सकती हैं, जैसे कि उत्तराखंड को कनेक्ट करना हो मान लीजिए तिब्बत से, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पास किस माउंटेन रेंज में है, काराकोरम है कि लद्दाख है कि जस्कर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, अगर कोई इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक डिटेल हो उस पास को लेके तो वो भी अब मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जहाँ तक आज के सेशन की बात है तो हम हिमालय की बात करेंगे, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके पासेस की हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स वगैरह की, तो वहाँ पर भी हमको पासेस देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पासेस वाला टॉपिक है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? अब इसके बाद देखिए और क्या चीज़ ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है थोड़ा उसको समझने की भी ज़रूरत है। देखिए, ये जो फर्स्ट मैप आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है, लेकिन ये पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इलीगल इसका ऑक्यूपेशन किया हुआ है, तो ये एरियाज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि देखिए, ये वाला जो एरिया है, ईस्टर्न एरिया, इसको बोलते हैं अक्साई चिन, ठीक है, ये चाइना के पास है। देन देखिए, ये वाला जो एरिया है, दिस इज सगजाम वैली, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये एरिया पाकिस्तान ने दिया हुआ है चाइना को। देन ये जो ये वाला एरिया है, दिस इज गिलगित बाल्टिस्तान, ये भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। ये वाला एरिया है आज़ाद कश्मीर, ये अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर, ये लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। एंड बाकी जो एरिया है, ये इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये मैप आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैंने आपको दे दी है। अब हम क्या करेंगे, स्टेट और यूटी वाइज चलेंगे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, उनकी लोकेशन क्या है, उनको किस तरह से याद किया जाए निमोनिक्स के माध्यम से, वो हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। अब देखिए, ये जो मैप आपके सामने है, इसमें ये जो पूरा एरिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पासेज हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट पासेज हैं, और आपको यहाँ पे ना तीन पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उनकी लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। सबसे पहला जो पास है वो है बनिहाल पास, ये वाला जो पास है इसको कहा जाता है बनिहाल पास, और ये पास जम्मू और कश्मीर को लिंक करता है, ठीक है। इसकी रेंज कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। देखिए, इन्फॉर्मेशन है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो अभी आपको डरना नहीं है, केवल लोकेशन देखिए। तो पहला पास कौन सा है, बनिहाल पास, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है। दूसरा पास कौन सा है, वो है पीर पंजाल पास। देखिए, ये वाला जो पास है ना, दिस इज कॉल्ड पीर पंजाल पास, और इसका एक दूसरा नाम भी है, वो नाम क्या है, पीर की गली, पीर की गली, ये इसका दूसरा नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, ये वाला जो पास है, ये बेसिकली अभी बंद है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, और जो मुजफ्फराबाद है उसको जम्मू से कनेक्ट करता था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एंड जो थर्ड इम्पोर्टेंट पास है वो है बुरजेल पास, उसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड बुरजेल पास, और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये श्रीनगर को जो गिलगित वाला एरिया है उससे कनेक्ट करता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो पासेज हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए, इनको कैसे याद करोगे, क्या इसका निमोनिक्स मैंने बनाया, देखिए आपको याद रखना होगा कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे तीन पासेज हैं, बनिहाल, पीर पंजाल एंड बुरजेल। तो कैसे याद करोगे, जाम बनाया, ठीक है, जाम बनाया पांच बुझ दिलों ने, तो ठीक है, आप आराम से इसको याद कर पाएंगे, जाम से हो जाएगा जम्मू, ठीक है, जाम बनाया, बनाया मीन्स बनिहाल पास, जाम बनाया पांच, पांच मतलब पीर पंजाल, आराम से आप याद कर सकते हो, तो जाम बनाया पांच बुज दिलों ने, बुज दिल कौन है, बुरजेल पास, ठीक है। तो जाम बनाया पांच बुज दिलों ने, आप मेरे साथ अगर रिपीट करेंगे तो आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जाम बनाया पांच बुज दिलों ने, इट मीन्स जम्मू कश्मीर में कौन से तीन पासेज हैं, बनाया से बनिहाल, पांच से पीर पंजाल एंड बुजदिल मतलब बुरजेल। तो ये तीनों पासेज आपको अब याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, बगल वाले कॉलम में मैंने बताया कि किन दो एरिया को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद रिमार्क्स कौन सी रेंज पड़ती है वो भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो हो गया है ख़त्म, यहाँ पे तीन ही इंपॉर्टेंट पासेज हैं, अब हम बात करते हैं लद्दाख की, ठीक है। तो इस वाले एरिया को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो लद्दाख वाला एरिया है उसकी हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे पासेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पास है वो है मिंटका पास, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आप इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे,
तो देखिए इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का जो ट्राई जंक्शन है उसके काफ़ी पास इसकी लोकेशन है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से पास की लोकेशन ये जो ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना अफगानिस्तान के पास में है, तो उसका जवाब क्या होगा? मिंटका। एंड ये किन दो एरिया को कनेक्ट करता है? लद्दाख एंड चाइना को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पास कौन सा आता है? उसका नाम है परपीक पास। देखिए ये जो लोकेशन है दिस इज परपीक पास, ठीक है? ये भी लद्दाख एंड चाइना को कनेक्ट करता है, केवल इतना ही जान लेना हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट जो पास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका क्या नाम है? खुनजेरब पास। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, खुनजेरब पास। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी लद्दाख एंड चाइना को कनेक्ट करता है। एंड इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इसी से पास करता है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसकी रेंज कौन सी है? जो काराकोरम रेंज है उसमें ये पड़ता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद आता है अगिल पास, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगिल पास, इसकी रेंज कौन सी है? काराकोरम रेंज से ही ये बिलोंग करता है, ठीक है? और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो साक्सगाम वैली है इसके काफ़ी पास में है, ठीक है? इट सेपरेट्स लद्दाख विद साक्सगाम वैली। आप लोकेशन देख सकते हैं साक्सगाम वैली की, ठीक है? तो ये जो अगिल पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? तो अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का क्या तरीका है। तो देखो आप इस तरह से इसको याद रखो। देखिए लद्दाख, लद्दाख मीन्स लड़ाई, आप ऐसे याद कर सकते हो, लद्दाख मीन्स लड़ाई। तो कैसे याद करोगे? मिनटों में खून खराबा हुआ, ठीक है? मिनटों में खून खराबा हुआ, पड़ोसी की अगली टांग तोड़ दी। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनटों में खून खराबा हुआ। मिनटों मीन्स मिंटा का पास, मिनटों में खून खराबा हुआ, खून खराबा मीन्स खुनजेरब पास। तो मिनटों में खून खराबा हुआ, पड़ोसी की अगली टांग तोड़ दी। पड़ोसी मतलब परपीक, आप इसको याद कर सकते हैं। पड़ोसी की अगली मीन्स अगिल पास, टांग तोड़ दी। अब टांग से आपको क्या याद रखना है? कारा टागला, ये भी एक इम्पोर्टेंट पास है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो कारा टागला जो पास है ये भी काराकोरम रेंज में पड़ता है, और इसकी लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके पास में ये पड़ता है, ठीक है? तो कारा टागला ये आपको पता होना चाहिए। एंड मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो निमोनिक्स है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। देखिए मिनटों में खून खराबा हुआ, मिनटों में खून खराबा हुआ, पड़ोसी की अगली टांग तोड़ दी, ठीक है? मिनटों में खून खराबा हुआ, पड़ोसी की अगली टांग तोड़ दी। तो इससे आप इस ये जो पांचों जो पासेज हैं इसको आप याद कर सकते हो। अब देखिए इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए हमने जो बात की थी बनिहाल पास की, तो वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टनल है, जवाहर टनल, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद हमने बात की मिंटका पास की। देखिए मिंटका का मतलब क्या होता है? थाउजेंड गोट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखिए ये जो खुंजेरब पास है इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इस पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सी पैक से पास करता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए खुंजेरब पास के बारे में। इसके बाद आता है कारा टागला पास, इसको देखिए काराकोरम पास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर के पास में है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो हमने दो चीज़ें देख ली, ठीक है? एक बार फिर से इसी मैप में चलते हैं। हमने जम्मू कश्मीर देख लिया, और हमने ये जो ऊपर के चार पांच इंपॉर्टेंट पासेज हैं ये भी हमने देख लिए। अब एक बार फिर से मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? अब हम बात करेंगे जो बाकी के जो पासेज हैं, जो ईस्टर्न साइड वाले पासेज हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है? लानकला। अब देखिए ये समझ में आ रहा है कि जो लानकला है ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये वहाँ पे पड़ता है, तो इसलिए इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है चांगला।
देखिए चांगला ये इंडिया वाला एरिया है और इसको कनेक्ट करता है ये तिब्बत से, तो लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है चांगला। ठीक है, अभी कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बार ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन में कर देता हूँ। उसके बाद आता है इमिसला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो लानक ला इंपॉर्टेंट है, इमिसला चांगला ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन से पासेज हैं जो हमें समझने होंगे। देखिए ये पास आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है और इसका क्या नाम है, खार डुंगला। ठीक है, देखिए ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब होता है पास, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पास है इसका नाम है खार डुंगला और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ना, जो सियाचिन ग्लेशियर है तो वहाँ पे मटेरियल की सप्लाई इसी पास के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पास सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास भी है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट, तो सवाल उठता है कि सबसे फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, तो उसका क्या नाम है, उमलिंगला। उमलिंगला देखिए इससे पहले ये 2013-14 में इसको बनाया गया था, इससे पहले खाडुंगला ही नंबर वन था लेकिन उसके बाद में ये नंबर टू हो गया है। ठीक है, तो खाडुंगला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पेंसिला। ठीक है, ये हो जाएगा पेंसिला और इसकी लोकेशन क्या है, दिस वन, ये पेंसिला है। अब देखिए किसको कनेक्ट करता है, ये कश्मीर को कनेक्ट करता है कारगिल से। ठीक है, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ये कश्मीर को कारगिल से कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा पेंसिला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा जोजीला के बारे में, हमेशा न्यूज में रहता है। देखिए ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन है जोजीला की। ठीक है, ये लोकेशन है जोजीला की और ये जोजीला श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है, ये हो जाएगा जोजीला पास। ठीक है, तो आई होप आपको इनकी लोकेशन समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए इनके बाद ना, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, एक पास और है उसको बोलते हैं फोटूला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोटूला, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे कहीं इसकी लोकेशन होगी, इसको बोलते हैं फोटूला और ये भी लेह को कारगिल से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, अब एक बार ना इसको याद करने का क्या तरीका है वो हम देख लेते हैं और एक बार इसको डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हमने पहले क्या बात की थी कि लद्दाख वाला एरिया लड़ाई वाला एरिया है, वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती रहती है, और हमने क्या निमोनिक बनाया था कि मिनटों में खून खराबा हुआ, पड़ोसी की अगली टांग तोड़ दी, तो कारा टागला से हमने फिनिश किया था। ठीक है, यहां तक हो चुका था। अब आपको क्या याद रखना है, जो जी करे इमेजिन करो। जनरली क्या होता है, इंसान है तो इंसान की तो दो टांगे होती हैं, अगला पिछला क्या होगा। ठीक है, तो कुछ भी हमने इमेजिन किया है आप इस तरह से देख लो, तो अगला निमोनिक क्या होगा कि जो जी करे इमेजिन करो, तो जो जी से क्या हो जाएगा, जो जिला, और इमेजिन से क्या होगा, आप एमिस ला को याद कर सकते हैं कि जो जी करे इमेजिन करो, लानत है अगर पिछली चंगी सी, क्योंकि हमने अगली टांग तो तोड़ ही दी, अब क्या बची पिछली, तो मैंने क्या बनाया है, लानत है अगर पिछली चंगी सी, अगर पिछली टांग चंगी है तो लानत है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो, लानत है मीन्स लानक ला, पिछली पिछली से आप क्या याद रखोगे, जो पेंसिल है उसको याद कर सकते हो। ठीक है, एंड चंगी सी, चंगी सी से आप क्या, चंगला को याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो निमोनिक्स हैं ये मैंने बनाया है जो आप यहाँ पे याद कर सकते हो। अब देखिए इस स्लाइड में किन दो एरिया को कनेक्ट किया गया है, कौन सी रेंजेज हैं, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया जोजीला फोटूला, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो एरिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, ये हो गया है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ और यहाँ पे चार बहुत ही इम्पोर्टेंट पासेज हमको देखने को मिलेंगे। नंबर वन इज बारालाचाला, ठीक है, उसके बाद रोहतांग पास, देन देवसा पास, उसके बाद में शिपकिला। अब देखिए इनको क्या तरीका है याद करने का, क्या निमोनिक मैंने बनाया है, देखिए मैंने ये बनाया है कि हमारे रोहित की, हमारे से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश,
तो हमारे रोहित की, रोहित मतलब रोहतांग पास, हमारे रोहित की शिल्पा से, शिल्पा मतलब शिपकीला, हमारे रोहित की शिल्पा से बड़ी लंबी मतलब 12 लाचा बड़ी लंबी डिबेट पास हुई। डिबेट पास होना मतलब देवसा पास। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे रोहित की शिल्पा से बड़ी लंबी डिबेट पास हुई। तो इसको आपने नोट कर लेना, आप चाहें तो अपना खुद का भी कोई निमोनिक बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे रोहित की शिल्पा से बड़ी लंबी डिबेट पास हुई। और इस तरह से ये जो चारों पासेज हैं, रोहतांग पास, 12 लाचा, शिपकीला एंड देवसा पास, इनको आप याद कर सकते हो। अब देखिए ये जो इनकी लोकेशन है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि केवल एक पास ऐसा है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, और ये कौन सा है? शिपकीला। ठीक है, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, इंडिया को कनेक्ट करता है तिब्बत से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी शिपकीला के बारे में। बाकी जो तीनों पासेज हैं वो हिमाचल के अंदर ही हैं। ठीक है, और जो लोग कुल्लू मनाली घूमने गए होंगे तो रोहतांग पास को वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो अब इनके बारे में जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो मैप है, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोला जाता है लाहौल स्पीति वाला एरिया है, उसके बगल में पड़ता है कुल्लू। ठीक है, तो ये दो लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे काम में आएगी। ठीक है, अब देखिए जो 12 लाचा ला जो पास है, ये जंस्कार रेंज में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है। हमने देखा था कि केवल शिपकीला ही ऐसा है जो कि इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, हिमाचल को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, वो आपके सामने है। देन रोहतांग पास, ये बेसिकली कुल्लू को लाहौल स्पीति जो वैली है उनसे कनेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट कर रहा है, और ये पास कौन सा है? रोहतांग पास। ठीक है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज देवसा पास, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बीच में। ठीक है, तो ये चारों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नंबर वन इज 12 लाचाला। देखिए जो चेनाब रिवर है, तो उसका ओरिजिन दो रिवर से होता है। वो रिवर कौन सी है? चंद्रा एंड भागा, और ये रिवर इस पास के पास में ही इनका ओरिजिन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12 लाचाला के बारे में। इसका रिलेशन है चेनाब रिवर के जो हेडवाटर्स हैं चंद्रा एंड भागा से, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए रोहतांग पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेंज कौन सी पड़ती है? पीर पंजाल रेंज, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अटल टनल, इसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, अभी काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2020 में, हमेशा न्यूज़ में रहती है, तो उसका रिलेशन इसी पास के साथ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट वन इज शिपकीला। देखिए शिपकीला जो पास है, ये हिमाचल को तिब्बत से कनेक्ट करता है। जो सतलुज जॉर्ज है वो यहीं पे है। ठीक है, मतलब जो सतलुज रिवर है वो यहीं से इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिपकीला के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हमने लाहौल स्पीति की बात की थी। ठीक है, तो ये जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है। एक्चुअली ये दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। ठीक है, लाहौल स्पीति, तो इनको कनेक्ट करने वाला जो पास है उसका क्या नाम है? कुंजुम पास। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि कुंजुम पास अगर पूछा जाए तो वो लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ये हो जाएगा कुंजुम पास। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, वो भी ज़रूरी है, और निमोनिक्स भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उनको याद कर लें, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ताकि अगर कोई आपको डाउट है तो आपका वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हमने देख लिया, हिमाचल प्रदेश भी हमने देख लिया, अब हम चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। ठीक है, उत्तराखंड ये भी बॉर्डर वाला एरिया है, हिमालयाज यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, तो पासेज यहाँ पे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो पासेज हैं वो बॉर्डर पे हैं। ठीक है, और विद इन द स्टेट केवल एक ही है, उसका क्या नाम है? ट्रेल पास। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंट पासेज हैं। नंबर वन इज मुलिंगला, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मुलिंगला, देन मांगसाधुरा, ट्रेल पास, माना पास, नीति पास एंड लिपुलेख। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको याद करने की कोई टेक्निक है, कोई निमोनिक है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको कैसे याद रखना होगा, उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप खाना खाने गए हैं, ठीक है, और आपके सामने एक प्लेट आई है, ठीक है, लेकिन उस प्लेट में जो चीज़ आपको परोसी गई है ना वो आपको पसंद नहीं है। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी है। आपको देखिए क्या याद रखना है कि मन से घूरा मूली को, आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें आपको मूली की सब्जी मिली है, तो मन से घूरा मूली को, तो मंसा धूरा मतलब क्या हो जाएगा, मन से घूरा मूली को मतलब मूलिंगला। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद कर सकते हैं, मंसा धूरा एंड मूलिंगला। कैसे याद करोगे, मन से घूरा मूली को। अब देखिए जिसके सामने वो थाली रखी गई है, मान लीजिए वो एक लड़की है, उसका नाम क्या है, नीति। अक्सर गर्ल्स का नाम इसी तरह से होता है, नीति। तो मान लीजिए वो एक गर्ल है, अब वो क्या कह रही है, नीति के लिप्स ने मना किया, ठीक है, क्योंकि मूली उसके पसंद की सब्जी नहीं है, तो नीति के लिप्स ने मना किया। नीति नीति पास, लिप्स मतलब लिपुलेख, मना किया मतलब माना पास। तो ये तीनों आप याद कर लोगे। कैसे याद करोगे, मन से घूरा मूली को, नीति के लिप्स ने मना किया। अब उसके बाद थाली पास कर दो उत्तर में, ठीक है, थाली पास कर दो उत्तर में, क्योंकि वो थाली आपको पसंद नहीं आई है, और उत्तर में मतलब उत्तराखंड, ठीक है, तो थाली पास कर दो उत्तर में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मन से घूरा मूली को, नीति के लिप्स ने मना किया, थाली पास कर दो उत्तर में। तो इस तरह से आप ये जो छः के छः पासेज हैं इनको आप याद कर सकते हो। अब देखिए ये जो पासेज हैं इनसे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब वो हम देख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो मुलिंगला है, ठीक है, ये उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत से, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गंगोत्री है उसके पास में इसकी लोकेशन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन माना पास, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बद्रीनाथ एक होली प्लेस है तो उसके पास में ये पास आपको देखने को मिलेगा, माना पास। इसका रिलेशन किसके साथ है, बद्रीनाथ के साथ है, ठीक है। देन आता है लिपुलेख, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो देखिए इसकी लोकेशन क्या है, अगर आपने लोकेशन देखी होगी तो ये इसकी लोकेशन है, तो ये एक तरह का ट्राई जंक्शन है, किसके बीच में, इंडिया के बीच में, नेपाल के बीच में एंड तिब्बत के बीच में ट्राई जंक्शन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ट्रेल पास, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिंडारी ग्लेशियर है उसके पास में आपको ये मिलेगा, तो ये ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर, तो ट्रेल पास आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए जो माना पास हमने डिस्कस किया था, तो उससे जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो माना पास उसी में उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा पास है जो कि इस ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर उसकी लोकेशन है, तो जवाब होगा माना पास, ठीक है। तो माना पास एक तो बद्रीनाथ हो गया, और दूसरा क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मेरा पूरा जो फोकस है वो प्रीलिम्स पे है, ठीक है, और प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, ताकि अगर आप इसको रिवाइज भी ना करें और आपके माइंड में चीज़ बैठ जाएगी ना तो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो निमोनिक्स हमने देख लिए, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने यहाँ पे देख ली। तो इसी के साथ जो उत्तराखंड वाला एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब हम बात करते हैं ये जो सिक्किम वाला एरिया है इसकी हम बात करते हैं। एंड देखिए सिक्किम ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। अब देखिए इसमें तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पासेज हैं, ठीक है। देखिए चुंबी वैली, ये अक्सर न्यूज़ में होता है ना, चुंबी वैली हो गया, चिकन नेक हो गया, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको यहाँ नीचे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको चिकन नेक भी इसको बोलते हैं, जो बहुत ही पतला जो एरिया है इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऊपर चुंबी वैली आपको मिलेगी। देखिए कौन से पास इंपॉर्टेंट है, नंबर वन इज जलेपला, ये जो है ना पास, दिस इज जलेपला, जो कि ट्राई जंक्शन के पास में है। देखिए ये सिक्किम है, दिस इज सिक्किम,
यहाँ पे आपको तिब्बत दिख रहा है और यहाँ पे आपको भूटान दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्राई जंक्शन हो गया, उसके ऊपर नाथुला पास है, देखिए ये है नाथुला पास, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अभी नाकुला पास, ये भी न्यूज़ में था। देखिए ये नाथू है और ये नाकू है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ में इन पासेस को आप अरेंज करो, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, नाकुला, उसके बाद नाथुला और सबसे एंड में कौन सा है, जलेपला। तो ये तीनों पास हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए बीच में भी आपको काफ़ी पासेज मिलेंगे, लेकिन उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीन पास ही अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, नाकुला, नाथुला एंड जलेपला। अब देखिए कनेक्टिविटी क्या है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, हमने देख ही लिया। एंड ये जो जलेपला है, ये चुंबी वैली के पास में, जो जो ट्राई जंक्शन है उसके पास में ये हमको देखने को मिलता है। अब देखो इनको किस तरह से याद करोगे, आपको निमोनिक्स क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए नाथू की जलेबी का सिक्का चलता है, नाथू की जलेबी का सिक्का चलता है, नाथू से नाथुला हो गया, जलेबी का, जलेबी मतलब जलेपला, ठीक है। तो नाथू की जलेबी का सिक्का चलता है, सिक्का से क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। तो सिक्का से आप सिक्किम को याद कर सकते हो। एंड जब आप नाथू की बात करें तो नाकू भी उसमें शामिल ही है, ठीक है। तो नाथू एंड नाकू दोनों शामिल हो ही गए, तो क्या याद रखना पड़ेगा आपको कि नाथू की जलेबी का सिक्का चलता है, ठीक है। तो ये सिक्किम के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेज हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है इन पासेस के बारे में। नंबर वन इज नाथुला। अब देखिए नाथू का मतलब क्या है, इस पे सवाल आ सकता है। नाथू का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स, और ला का मतलब होता है पास। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज जलेपला। देखिए जलेपला इसका एक दूसरा नाम भी है, वो नाम क्या है, द लवली लेवल पास। और इसका मीनिंग क्या है, ये इस नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो पास है ये सबसे इजीएस्ट और मोस्ट लेवल पासेज हैं, तिब्बत और सिक्किम के बीच में जितने भी पासेज हैं उसमें सबसे लेवल्ड एंड इजीएस्ट पास इसको कहा जाता है। एंड सेंचुरी से जो ट्रेडर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जलेपला इसको बोला जाता है, द लवली लेवल पास, ठीक है। तो आई होप ये अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, एंड अक्सर इन्हीं पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पासेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, ठीक है, आपको केवल पासेस के नाम याद रखने हैं, उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है। अब देखिए ये वाला जो एरिया, ये तो तिब्बत वाला एरिया है, ये आपको पता ही है, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश है, और फिर नीचे म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ये जो नीचे वाले जो पासेज हैं ये इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो ऊपर वाले जो पासेज हैं ये कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया को, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, तिब्बत से, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेज हैं वो एक बार आपको देखने होंगे, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ना हमें बात करनी होगी बमला, बोमडीला एंड कैपांगला की, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए लोकेशन, देखिए ये लोकेशन है बमला की, ये लोकेशन है बोमडीला की, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, कमेंगला। तो देखिए ये जो लोकेशन है ना ये है कमेंगला की, इसको मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, कमेंगला। तो ये तीन पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बमला, बोमडीला एंड कमेंगला, इनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए जो बमला और बोमडीला है वो तो दिख ही रहा है कि अरुणाचल को कनेक्ट करते हैं तिब्बत से। ये जो बोमडीला है यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सेंचुरी है, उसका क्या नाम है, द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आता है केपांगला। देखिए केपांगला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जस्ट इसी के पास से इंडिया में एंटर करती है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है केपांगला के बारे में। देखिए इसका जो निमोनिक्स होगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है एक बार उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको योंगप्पा पास यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये लोकेशन है इसकी।
इसके बाद दिहांग पास आपको दिख रहा होगा जो कि इंडिया एंड तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। देन दीपर पास, देखिए दीपर पास ये इंडिया को कनेक्ट कर रहा है किससे, म्यांमार से। उसके बाद खुमजवांग पास, ये इसके नीचे है। देन चांकन पास, उसके बाद लेखपानी एंड हुंगन पास, ठीक है। तो ये पासेस, इनके नाम काफ़ी अजीब से हैं। अब देखिए अगर आप इनको याद भी नहीं करेंगे ना, तो हमने बाकी के तो याद कर ही लिए, तो आप एलिमिनेट तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट पासेज हैं जो आपको इस एरिया में पता होने चाहिए। अब देखिए इनको किस तरह से आप याद करोगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना, क्योंकि नाम भी अजीब से हैं तो इनका निमोनिक्स बनाना इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है। अब देखिए ऐसा इमेजिन करिए कि ये जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश वाली एंड तिब्बत वाली, यहाँ पे एक फाइट चल रही है, जो हमारे सोल्जर्स हैं और उधर के जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में फाइट चल रही है, और जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉम्ब की डिमांड कर रहे हैं। वो बॉम्ब मतलब बम, क्योंकि यहाँ पे बॉम दिला एंड बमला है, इसलिए मैंने उसकी उसी को बनाया है, ठीक है। तो वो बॉम की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारे यंग जवान हैं, जो हमारे यंग जवान हैं, ठीक है, यंग से आप यंगप्पू पास को देख सकते हो, जो यंग जवान हैं वो क्या बोल रहे हैं, यंग जवान बोले बमला, यंग जवान बोले बमला बम दिला कहाँ पे मारूं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, यंग जवान बोले बम ला बम दिला कहाँ पे मारूं। तो देखिए बम ला से आप इसको याद कर लो, बम दिला से इसको याद कर लो, और कहाँ पे मारूं उससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार जो पासेज हैं ये तो आप याद कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यंग जवान बोले बम ला बम दिला कहाँ पे मारूं या कहाँ में मारूं, ठीक है। इससे आप इसको याद कर सकते हो। थोड़ा सा अजीब सा है याद करने में, पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे भी अच्छा कुछ आप बना सकते हो तो बिल्कुल आप उसको बनाइए, उसको याद करिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन से हैं, दिहांग दिफेर। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे, आप याद करिए कि दीपक, दीपक मतलब दिफेर, दीपक के दहेज में कम जान थी। देखिए मैं किसी भी तरह से दहेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा कुछ सूझा नहीं कि मैं किस तरह से लिंक करूं, ठीक है। तो कैसे मैंने बनाया है कि दीपक के दहेज में कम जान थी, तो दीपक के दहेज में कम जान थी, ठीक है। तो जो कुमजवांग वाला पास है उसको आप याद कर सकते हो, दीपक के दहेज में कम जान थी चारों ओर हंगामा हुआ, ठीक है। क्योंकि दहेज अच्छा नहीं आया तो चारों ओर हंगामा हुआ, चारों ओर से आप चांकन को याद कर सकते हो, चांकन हंगामा हुंगन, ठीक है। चारों ओर हंगामा हुआ और फिर पंगा हो गया, और फिर पंगा हो गया, तो पंगा से हो जाएगा पंगसो पास। अब देखिए जो पंगसो पास है ना, इसकी लोकेशन भी आपको यहीं कहीं मिलेगी, तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है दिफेर पास। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना और म्यांमार, ये इसकी लोकेशन वहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो निमोनिक्स में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यंग जवान बोले बम ला बम दिला कहाँ पे मारूं, ठीक है। उसके बाद दीपक के दहेज में कम जान थी, चारों ओर हंगामा हुआ और पंगा हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, जो पंगसो पास है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जो पतकई हिल्स है ये वहां पे पड़ता है, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है। अब देखिए इसके अलावा एक पास और है, उसका क्या नाम है, सेला पास। अब ये सेला पास देखिए कहाँ पे पड़ता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, ये सेला पास आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सेला पास हो जाएगा, तो सेला पास की लोकेशन यहाँ पर है। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है तवांग एंड वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट को। हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, केवल सेला पास की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हालांकि मैंने काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है निमोनिक्स के माध्यम से, अगर आप उनको याद कर लेंगे तो ये पासेज आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, जो थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, जो अरावलीज हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हमको देखने को मिलते हैं और उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गोरम घाट आपको दिख रहा है, हल्दीराम
सॉरी हल्दी घाटी पास आपको यहाँ पे दिख रहा है, देन असीरगढ़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये भोर घाट है, ये पाल घाट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, पांच छह ही हैं, उसको हम जल्दी से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पास है वो है गोरम घाट। देखिए गोरम घाट पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पे आपको अरावली रेंजेस, अरावली की जो श्रृंखला है वो देखने को मिलती है, तो वहाँ पे है गोरम घाट। और ये जो गोरम घाट है ये मेवाड़ एंड मारवाड़ को कनेक्ट करता है। अब देखिए जो लोग राजस्थान को जानते हैं उनको मेवाड़ एंड मारवाड़ के बारे में पता होगा, जो नहीं जानते मैं बता दूं, मेवाड़ मतलब जो उदयपुर वाला एरिया है ना, उदयपुर उसको बोला जाएगा मेवाड़, और मारवाड़ मतलब जो जोधपुर वाला एरिया है ना, जोधपुर वाला एरिया उसको कहा जाएगा मारवाड़। तो इन एरिया को गोरम घाट कनेक्ट करता है, इसका भी निमोनिक से वो मैं आपको बता दूंगा। तो गोरम घाट हो जाएगा राजस्थान। दूसरा आता है हल्दी घाटी पास। देखिए ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो वो हल्दी घाटी पास को आराम से याद कर लेंगे। ये भी अरावली रेंज में ही है, उदयपुर के पास में, ठीक है। हल्दी घाटी पास, देखिए हल्दी घाटी की बैटल हुई थी आपने पढ़ा होगा मिडिवल इंडिया में, तो वहाँ पर आपको पता होगा। अब देखिए ये दोनों ही पास राजस्थान में है, आप इसको कैसे याद करोगे, आप इसको याद कर सकते हो। देखिए गोरम घाट और हल्दी घाटी कनेक्शन किससे, राजस्थान से। अब देखिए राजस्थान मतलब काफ़ी सारे राजा वहाँ पे होते हैं, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो गोरे राजा को हल्दी लगाओ, ठीक है। गोरे गोरे मतलब गोरम घाट, गोरे राजा, राजा मतलब राजस्थान, को हल्दी लगाओ मतलब हल्दी घाटी पास। तो इस तरह से आप इन दोनों पासेस को याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पास की, और वो कौन सा है, असीरगढ़ पास। असीरगढ़ पास ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आप इसको आराम से याद भी कर सकते हैं, जो सतपुड़ा रेंजेज है वहाँ पे ये पास देखने को मिलता है। इससे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इसको की टू डेक्कन भी कहा जाता है, इसको डक्कनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसपे सवाल पूछे जाते हैं, की टू द डेक्कन, वो कौन सा होगा। असीरगढ़ पास कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और इसको क्या बोला जाता है, डक्कनी दरवाजा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र में कुछ आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी पासेज हैं। नंबर वन इज भोर घाट। देखिए भोर घाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट। और इसका इम्पोर्टेंट लिंक क्या है कि जो ये जो रूट है ना, ये सातवाहन ने डेवलप किया था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है सातवाहन से किसका लिंक है, तो वो हो जाएगा भोर घाट, कहाँ पर है, महाराष्ट्र। दूसरा आता है थाल घाट। थाल घाट भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना होगा, भोर एंड थाल, और इनका रिलेशन किससे, महाराष्ट्र के साथ, और इनको आप आराम से याद कर सकते हो। इनकी जो लोकेशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ आप इनको अरेंज करो, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाल घाट की। देखिए उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये जो जंक्शन है ना यहाँ पे है पाल घाट, इसको देख लेते हैं एक बार, दिस इज पाल घाट। देखिए जो नीलगिरी हिल्स हैं और जो अन्नामलई हिल्स हैं वहाँ पे इसकी लोकेशन है पाल घाट की, ठीक है। तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एंड आज का जो लास्ट पास है उसका क्या नाम है, सेन कोटा गैप, ठीक है। इसको बोलते हैं सेन कोटा गैप, आप इस मैप में देख सकते हैं, दिस इज पाल घाट, और उसके नीचे यहाँ पे आपको सेन कोटा गैप देखने को मिलता है। और इनको क्वेश्चन क्या आएगा कि नॉर्थ से साउथ में आप इनको अरेंज करिए, ठीक है। अब देखिए इनको याद करना काफ़ी आसान है, इसलिए इनकी मैंने निमोनिक्स नहीं बनाई है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए ये जो पासेज वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।